वो है यूट्यूब इन एजुकेशन। हालांकि आजकल सभी लोग जो हमारे एजुकेशन में कहीं ना कहीं यूट्यूब का सहारा लेते हैं, तो मैंने इस टॉपिक को चुना है और मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का। ये जो यूट्यूब है, ये हमारे जो है आज अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला आज एक प्लेटफॉर्म बन चुका है जिस पर लोग एजुकेशनल वीडियो देखते हैं। और यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हम इसके सारे वीडियोस को हम अपनी लाइफ टाइम में भी नहीं देख सकते हैं। इसकी जो स्थापना है वो सन 2005 में तीन दोस्तों द्वारा की गई थी, चैड हार्ले, स्टीव चैन एंड जावेद करीम। उन्होंने इसको एज ए वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म के रूप में इनोवेट किया था और बाद में इसका यूज़ इंटरटेनमेंट के लिए और कुछ पिछले कुछ सालों में इसका जो यूज़ है वो एजुकेशनल पर्पस से भी होने लगा है। तो शायद कर्म की यही ब्यूटी है कि उसका जो प्रारंभ है वो किसी और उद्देश्य से किया जाता है और उसका जो प्रारब्ध है वो कुछ और हो जाता है। इसलिए हमारे गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि कर्म का क्या होगा उसका हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते। तो ये इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कर्म की जो महानता है उसका। ये एक ओपन एक्सेस और फ्री प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, और जैसे कि हम सभी जानते हैं। और आजकल जो इस पर एक नया वर्ड जो हमें देखने को मिलता है, शिक्षा उद्यमी जिसे हम कहते हैं हिंदी में एडुप्रेनर्स। एडुप्रेनर्स जो वर्ड है वो यहाँ पर जो कुछ जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अब यहाँ पर अपना फंड जनरेट भी कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेशन भी हो रहा है यूट्यूब पर। तो उन्हें यहाँ पर जैसे कि खान अकेडमी है, जैसे कि मैं बात करूँ तो उन्हें हम एडुप्रेनर्स कहते हैं। और आजकल इंटरनेट की उपलब्धता, हाई स्पीड इंटरनेट 4G तो आ ही चुका है और चीप इंटरनेट सर्विस है, उसने इस यूट्यूब को और भी पॉपुलर कर दिया है। और यूट्यूब के थ्रू जो यूट्यूबर्स हैं वो अपना रेवेन्यू जनरेशन करते हैं, उसकी मोनेटाइजेशन पॉलिसी है उसके थ्रू। और कुछ लोग इस पर पब्लिसिटी और अपना जो नॉलेज है वो शेयर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं एजुकेशन में यूट्यूब के जो प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करूंगा, इसके जो प्रोज हैं जिस पर मैं एक पेपर भी पब्लिश कर चुका हूं, तो मैं उसकी यहाँ पर समरी देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि जिसके प्रोज में सबसे पहले आता है कि शेड्यूल टाइम टेबल से आपको फ्रीडम मिल जाती है। आप यूट्यूब पर कभी भी आप वीडियो कभी भी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी देख सकते हैं। आपको क्लासरूम जो शेड्यूल है उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है उसकी तरफ। दूसरा है आपकी जो कुछ इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हेजिटेशन और फियर होता है क्लासरूम में, तो उससे छुटकारा मिल जाता है स्टूडेंट्स को। आपको रिवीजन कभी भी आप कर सकते हैं यूट्यूब के वीडियोस अगर आप देखते हैं, उससे आप एजुकेशन ले रहे हैं। आपका टाइम और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है क्लासरूम तक आने का, जो आपका समय है और जो आप फ्यूल जो आप काफ़ी महंगा हो चुका है, तो वो आपका बच जाता है यूट्यूब की अगर आप एजुकेशन में सहारा लेते हैं। और आपको ये भी फ्रीडम रहती है कि यूट्यूब में आप किसी भी लैंग्वेज में लर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लैंग्वेज में लोग अपने अपने वीडियोस जो एजुकेशनल वीडियोस हैं वो अपलोड करते हैं, तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं रहता है। और हालांकि आजकल ट्रांसलेशन सर्विसेज और कैप्शन भी आते हैं यूट्यूब के वीडियो के नीचे, तो लैंग्वेज एक बैरियर के रूप में नहीं रहता है। और आपको एक सिंगल टॉपिक जो है वो आप अलग अलग यूट्यूबर्स जो बनाते हैं तो उनको आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव या फिर उनके डिफरेंट आइडियाज़ के थ्रू आप लर्न कर सकते हैं। और जैसे कि हमारी 2D क्लासरूम होती है जिसमें ब्लैक बोर्ड का यूज़ होता है या फिर व्हाइट बोर्ड का यूज़ होता है, उसमें आप 2D की जगह अब आप वीडियोस में आप 3D एनिमेशन, वर्चुअलिटी या फिर शार्प फोटोग्राफ का इस्तेमाल से आप अपनी लर्निंग को और ज़्यादा इन्हेंस भी कर सकते हैं। और यूट्यूब लर्निंग का एक और फायदा यह है कि आपको क्लासरूम स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनरोलमेंट की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितना चाहे उतना इनरोलमेंट, आप कितने भी वीडियो, कितने भी लोग, इसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, क्लासरूम का स्पेस नहीं चाहिए। और ये मेरी तरह जो लेजी टीचर्स हैं उनकी उनका गुड अल्टरनेटिव भी है ये। जैसे मेरे जैसे कुछ टीचर्स पढ़ाना नहीं चाहते हैं तो उनकी जगह आप यूट्यूब से पढ़ भी सकते हैं। दूसरा, मैं कॉन्स की बात करूँ जो यूट्यूब जो एजुकेशन में है उसके, अगर हम कॉन्स की बात करें तो सबसे बड़ा जो इसका कॉन्स है वो ये है कि ये जॉब किलर की तरह है। मतलब जो टीचर जो एजुकेशन में हैं और जो कोचिंग सेंटर्स पर जो ट्यूटर्स हैं उनके लिए एक मतलब जॉब क्राइसिस की तरह काम कर रहा है। आजकल कोई भी ट्यूशन लेने की बजाय यूट्यूब पे पढ़ना ज़्यादा पसंद कर रहा है, तो ये एक जॉब किलर बन चुका है आजकल।
और इससे नेगेटिव, इसके एक दूसरा नेगेटिव इसका ये है कि आपको बुक रीडिंग और हैंड राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो, आपकी जो हैंड राइटिंग है क्योंकि आपका लिखना कम हो गया है, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो आप टाइपिंग आपकी स्किल्स बढ़ गई लेकिन हैंड राइटिंग स्किल्स जो है वो आपकी कमज़ोर हो रही है। तीसरा इसका है कि इससे हम, जैसे कि हम क्लासरूम तक आने जाने के लिए वॉकिंग करते हैं और तो हमारी थोड़ी हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, तो जब हम यूट्यूब का सहारा लेते हैं तो हमारी जो लेस वॉकिंग जो वो कम हो जाती है और आई स्ट्रेंस बढ़ जाता है जो हमारे हेल्थ को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता है। और चौथा इसका ड्रॉबैक ये है कि इंटरनेट, जैसा कि सर ने बताया कि रिमोट एरियाज जो हैं हमारे, आज भी भारत के वहाँ पर अवेलेबल नहीं है और ये फ्री भी नहीं है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को हमें थोड़ी बहुत रकम चीप है हालांकि, पर पे तो करनी पड़ती है। और ये जो इससे एक और ड्रॉबैक इसका ये है कि हम, हमारी जो सोशल साइकोलॉजी और इमोशनल हम, जो हमारी क्वेश्चंस है जो हम क्लासरूम में एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करते हैं क्लासमेट्स के साथ, तो हमारी सोशल जो क्वेश्चंस है वो बढ़ती है, इमोशनल क्वेश्चंस बढ़ती है, हमारा बिहेवियर इम्प्रूव होता है, तो ये भी थोड़ा सा घट घट जाता है इससे। और ये जो YouTube एजुकेशन है वो फेस टू फेस फील्ड विजिट और फेस टू फेस जो एनिमल और नेचर जो है, एनिमल्स को देखने का, उसको ये रिप्लेस नहीं कर सकता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि YouTube पर गलत इन्फॉर्मेशन सर्व कर दी जाती है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो स्टूडेंट्स को ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन जो दी जा रही है वो सही है या गलत है। और इसके लिए पर्टिकुलर कंप्यूटर स्किल और नॉलेज की जरूरत पड़ती है, किसी भी वीडियो पर टॉपिक बनाना आसान नहीं होता है। हालांकि मैं यहाँ पर यह भी बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं तो आपको कम से कम उसके पहले आपको बुक या फिर जर्नल्स को स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप वीडियो बना सकते हैं। मतलब प्राइमरी सोर्स ऑफ जो इंफॉर्मेशन है वो बुक और जर्नल्स ही हैं। और ज़्यादातर वीडियोस जो मैंने ऑब्जर्व किया है एज ए यूट्यूबर, मैंने ऑब्जर्व किया और काफ़ी लोगों से मैंने बात की, तो उन्होंने बताया कि ज़्यादातर जो वीडियोस हैं वो काफ़ी ब्रीफ में है, बहुत शॉर्ट में है, मतलब कंप्रिहेंसिव वीडियो नहीं है। और कुछ जो टॉपिक हैं बिल्कुल कंप्लीटली अनटच्ड है, और कुछ वीडियोस पर काफ़ी कुछ टॉपिक्स पर काफ़ी वीडियो बन चुके हैं। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है इस पर कि यूट्यूब जो है वो हायर एजुकेशन में एक माइलस्टोन साबित हो सकता है, पर स्कूल एजुकेशन में इसे लागू करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि ये स्टूडेंट्स के बिहेवियर को और उनकी हेल्थ को काफ़ी डिमिनिश कर सकता है। इसलिए मेरा सजेशन पर्सनल ये रहेगा कि इसे सिर्फ हायर एजुकेशन में एज ए असिस्टिव टूल यूज़ किया जाए और हर जगह पर गुड इंटरनेट स्पीड अवेलेबल हो। और जो पेड सब्सक्रिप्शन है जर्नल और बुक का, ये एक बैरियर है प्राइमरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, क्योंकि मैंने अभी बताया कि वीडियोस बनाने के लिए आर्टिकल और बुक्स रीड करने पड़ते हैं, तो वो ओपन एक्सेस और फ्री होने चाहिए, जैसे कि हमारा साई हब एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये पब्लिक फंडेड प्रोजेक्ट से बने, जो भी जितने भी ये जो पब्लिकेशन हो रहे हैं, बुक्स हो रही हैं पब्लिश, ये सब पब्लिक फंड से हो रही हैं, तो उनको पेड सब्सक्रिप्शन रखना एक तरह से मतलब इंफॉर्मेशन को लोगों तक तो पहुंचाने में एक बहुत बड़ा बैरियर है, इसलिए इनको फ्री कर देना चाहिए। सारे जो जर्नल्स और बुक हैं उनको ओपन एक्सेस कर देना चाहिए। और मेरा एक और सजेशन ये रहेगा कि यूट्यूब को एक बेटर मोनेटाइजेशन पॉलिसी बनानी चाहिए, जिससे कि जो एंटरप्रेन्योर्स जो बनना चाहते हैं या फिर जो इसको एज ए अपना जॉब बनाना चाहते हैं, तो उनको एक अच्छा पैसा मिल सके ताकि वो अपनी फैमिली भी मेंटेन कर सकें और अच्छे वीडियो भी बना सकें। और YouTube को जो है वो एजुकेशनल जो वीडियो जब बना है तो उसको चेक और रेगुलेट भी करना चाहिए ताकि एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है स्टूडेंट्स को मिल सके। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग भी करनी चाहिए गवर्नमेंट को, जैसे कि वो दूसरी और जो इंडस्ट्रियल एंटिटी है जैसे कि MSME है उसको फंडिंग करती है, तो उससे उनको भी एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे हैं, जो यूट्यूबर्स हैं जो काफ़ी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो उनको भी फंडिंग यहाँ पर करनी चाहिए। तो ये मेरा वर्डिंग है और